हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। भट्टी विक्रमार्क बने डिप्टी सीएम। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ लेते ही गारंटी फाइल पर किया हस्ताक्षर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एलबी स्टेडियम में सोनिया गांधी के साथ पहुंचे रेवंत रेड्डी। दोनों ने हाथ जोड़कर तेलंगाना की जनता का जताया आभार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित तमिलनाडु का किया हवाई सर्वे। चेन्नई में मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ की बैठक। सेंट्रल फंड के से मदद के लिए 493 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नोएडा में जीएसटी स्कैम, 4 और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को 250 शेल कंपनियों का पता चला। 8 खातों में जमा 3 करोड़ से अधिक रुपए फ्रीज। चंडीगढ़ के मनी माजरा में हुआ हादसा। अचानक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 1 महिला और 2 बच्चे घायल। हरियाणा के कैथल में प्रिंसिपल पर 16 लड़कियों ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। महिला आयोग में दी गई लिखित शिकायत। जांच के लिए एसआईटी गठित। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी। 1 की मौत, कई की हालत गंभीर। बस में 40 लोग सवार थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सैलानियों की तादाद भी बढ़ी।